हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट हम लोग क्या जान सकते हैं आपके नेक्स्ट 24 घंटे के बारे में। ये पूरा ही एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, सो जब भी आप इसे देखो उस समय से शुरू करके जो अगला 24 घंटे होगा तब तक ही आपको रेजोनेट करना चाहिए। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो आपके जो कार्ड्स है दैट इज़ द नाइट ऑफ मॉन्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस जो होने वाला है, एंड ये मेजॉरिटी लोगों के लिए ये चेंजेस तभी आएगा जब आप कुछ एंड करने का डिसीशन लोगे, बिकॉज़ ये चेंज किसी एंडिंग के साथ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो ये कोई रिलेशनशिप का एंड या कोई पुराने हैबिट का एंड, किसी टाइप के फ्रेंडशिप था, कोई एक कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब, कोई टाइप ऑफ प्रोफेशन जो आप एंड करके आगे बढ़ना चाहते हो। एंड ये जो भी एंडिंग है ये एक्चुअली एक पॉजिटिव एंडिंग है। तो इस एंडिंग में कोई ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हो, या ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हो कि ये चीज़ आपके लाइफ में एंड हो रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एंडिंग आपने खुद इनिशिएट किया है, आप खुद से चाह रहे हो कि इस सिचुएशन में ये एंडिंग हो जाए ताकि आप एक नए सिरे से शुरू कर सको, ताकि आपको एक नया बिगिनिंग, एक नया चैप्टर मिल सके यहाँ पे, ठीक है। सो आई डेफिनेटली सी यू गाइज मूविंग फॉरवर्ड, बट इस एंडिंग के बाद देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी जो आप हासिल करने वाले हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इस समय लाइफ में आप जो कुछ भी गो थ्रू कर रहे हो ये बस एक ऐसा टाइम है जब आप काइंड ऑफ ये सोच लो कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ा रहे हो फॉर द फ्यूचर। सो फ्यूचर में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जिससे आप गो थ्रू करेंगे, लेकिन तब आपके लिए सिचुएशन आसान रहेगा क्योंकि आप इस वक्त कुछ टफ साइकिल्स के थ्रू जा रहे हो, आप इस वक्त कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, आप इस वक्त लाइफ के बहुत सारे लेसन्स आप सीख रहे हो, चाहे वो आपके करियर में हो, लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, हेल्थ में हो, कहीं भी हो, ठीक है। सो फाइनली आई सी यू गाइज इन अ बेटर सिचुएशन। आई थिंक अक्टूबर मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, या अक्टूबर के बाद या नेक्स्ट 10 दिन के बाद आप पकड़ लो कुछ बेटर हो सकता है किसी चीज़ के बारे में, लाइक स्पेशली फाइनेंसेस। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो या फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, तो 10 दिन तक आई थिंक 10 दिन और आपको इंतज़ार करना है, या 10 दिन तक आपको कोई मैनिफेस्टेशन या आप कोई अगर रिचुअल कर रहे हो तो कोई भी चीज़ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो या प्रे कर रहे हो या जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, बिकॉज 10 डेज़ के बाद डेफिनेटली आपका सिचुएशन बेटर होगा, या आप ये जो मेहनत कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ असर आपको देखना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर के बाद जो होगा इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो अक्टूबर मंथ थोड़ा सा आपको इस बारे में फोकस करना है कि आप प्रेजेंटली क्या सीख रहे हो, आप प्रेजेंटली लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट पे फोकस करना इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, पास्ट पे नहीं, फ्यूचर पे नहीं, बट कि प्रेजेंट सिचुएशन पे। जो भी डिफ़िकल्टीज है लाइफ में इस वक्त, जो भी स्ट्रगल है लाइफ में इस वक्त, ये टेम्पररी है। आप ही के कुछ डिसीशंस, एक्शंस, लाइफस्टाइल, हैबिट चेंज, माइंडसेट, ये डिफ़िकल्टी से आपको बाहर निकाल सकता है। सो पहले तो चेक करो कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपके ब्लॉकेजेस क्या क्या है, एंड उन ब्लॉकेजेस का हल क्या है। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा ब्लॉकेज है जिसका आपके हाथों में कंट्रोल नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा पॉज करो, आप थोड़ा सा रुक जाओ, एटलीस्ट अक्टूबर तक आप रुक जाओ, बिकॉज यूनिवर्स आपके लाइफ से बहुत सारे स्ट्रगल्स और ब्लॉकेजेस हटाएंगे जो आप इस वक्त जिसके थ्रू आप जा रहे हो। देर इज़ मनी कमिंग इन गाइस, मनी, अबंडेंस, करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, एसेट आपके बढ़ने वाले हैं।
बेटर अबंडेंट लाइफस्टाइल आपको मिलने वाला है। इस वक्त आप जिस भी लाइफस्टाइल से गुजर रहे हो उससे कई गुना बेटर लाइफस्टाइल आपको मिलेगा एंड आप वो डिजर्व करते हो। लेकिन उस लाइफस्टाइल को पाने के लिए, उस अबंडेंस को पाने के लिए फ़िलहाल ये स्ट्रगल ज़रूरी है, फ़िलहाल ये टाइम गो थ्रू करना आपके लिए ज़रूरी है जो आप कर भी रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आपकी मैरिज तय होने वाली है बहुत जल्दी, स्पेशली जो लोग अरेंज्ड मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हो या फैमिली रिश्ता देख रही है, ऐसा कोई सिचुएशन अगर है बहुत जल्दी आपका मैरिज तय होगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा इतना जल्दी जल्दी सिचुएशन आगे बढ़ेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक इस बात पे है कि मेरी मैरिज क्यों तय नहीं हो रही है, मुझे क्यों अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, मेरा मैरिज कब होगा, होगा कि नहीं, अगर ये सारे आपके मन में डाउट्स है तो अक्टूबर के बाद आई डेफिनेटली सी दिस चेंज कमिंग। अक्टूबर के बाद ये मैरिज आपके लिए फिक्स होगा या फिर ये मैरिज इतना जल्दी जल्दी फिक्स होगा कि आप सोचोगे कि क्या ये सपना तो नहीं है, क्या ये हकीकत है कि सच में ये हो रहा है जिसके लिए मैं इतना तरस रहा था, तरस रही थी, व्हाटएवर। सो किसी चीज़ के लिए जो आप तरस रहे हो ये आपको मिलेगा सही समय आने पर। मेजॉरिटी लोगों के लिए दैट इज़ आफ्टर अक्टूबर, सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उस समय विंटर्स में। नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस सिचुएशन एज आपके आसपास के जो लोग हैं ना जिनसे आप रेगुलरली डील करेंगे एटलीस्ट इस वक्त इस 24 घंटे में, आने वाले 24 घंटे में, बी वेरी केयरफुल क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग आपके अलाइनमेंट में नहीं हैं। ये लोग ना आपके व्यू पॉइंट को समझेंगे, ये लोग ना सही ढंग से आपको सपोर्ट कर पाएंगे, ना ही ये लोग आपके सिचुएशन को समझेंगे। तो आप किन से क्या सीक्रेट शेयर कर रहे हो, आप किन से एडवाइस ले रहे हो या आपका राय विचार क्या है, इन लोगों का क्या राय विचार है, इन सारी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस मत देना क्योंकि ये लोग खुद अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर इन लोगों का लाइफ आपके जर्नी से अलग है। सो कुछ लोग आपको आके बहुत कुछ ज्ञान दे सकते हैं या कुछ लोग आपको आके बहुत सारा सजेशन एडवाइस कर सकते हैं या आपको थोड़ा सा मैन्यूपुलेट भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ये इसलिए ये लोग करते हैं क्योंकि उससे आप ही का कोई उन्हीं का कोई फ़ायदा होने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल कि इस 24 घंटे में आप किस लोगों से डील कर रहे हो। आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे आपकी एनर्जी वैसा रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, आप ऐसे लोगों के बीच में रहे जो आपको मोटिवेट करते हैं, ना ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, ना ही आपके कंपिटिटर्स हैं, जेलस है। ऐसा अगर आपको लगता है कि कोई भी इंसान पे अगर आपको डाउट है उस इंसान के आसपास आपको नहीं रहना है नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। आई सी अ लॉट ऑफ न्यू कनेक्शंस जो आप बना रहे हो, ये बिजनेस कनेक्शंस हो सकते हैं, वर्क कनेक्शंस हो सकते हैं या पर्सनल लव कनेक्शंस हो सकते हैं, बट ये दो हफ्ते का टाइम है। आने वाले 24 घंटे से शुरू करके दो हफ्ते में, आने वाले दो हफ्ते में आप कुछ कनेक्शंस बनाने वाले हो। सो नए बिजनेस पार्टनर्स या नए क्लाइंट या फिर कोई नया फ्रेंड, कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे। सो दीज आर सम कनेक्शंस जो आपके लाइफ में आएंगे, कोई भी किसी भी रूप में हो सकता है, वर्क या लव या फ्रेंडशिप, कैसे भी, बट ये कनेक्शंस आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में, एक बेटर आपके एक बेटर वर्जन बनने में। आपको फॉर अ लॉट ऑफ यू या तो ये आपके सोल मेट टाइप ऑफ अ पर्सन है जो आपको हेल्प करने आएंगे टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ, आप एक बेटर जगह पे पहुंच पाओ, पर ये अभी नहीं, ये आने वाले दो हफ्ते में आएंगे, यानी ये कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन होंगे। इन्हें आप कभी नहीं जानते थे, इन्हें आप कभी नहीं पहचानते थे, दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, एंड ये पर्सन एक टॉरस, एरीज, सजिटेरियस, लीब्रा, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल ये कुछ साइंस हैं जो जिससे आप पहचान सकते हो।
एंड ये पर्सन यूजुअली चांसेस है कि आपके ऑपोजिट जेंडर के होंगे. सो अगर आप फीमेल है तो ये पर्सन मेल हो सकते हैं, अगर आप मेल है तो ये पर्सन फीमेल हो सकते हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कनेक्शन मतलब ही प्यार होना ज़रूरी है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बिजनेस कनेक्शन या वर्क कनेक्शन, फ्रेंडशिप्स भी हो सकते हैं, हाँ प्यार भी हो सकता है. ठीक है, सो कीप योर ऑप्शंस ओपन. लाइक अपने आप को सोशल बनाना, ज़्यादा अपने आप को एक कमरे में कैद मत कर लेना कि किसी से बात नहीं करना, मिलना नहीं. बस आपको सतर्क इस बात पे रहना है कि कैसे टाइप और क्वालिटी के लोगों से आप मिल रहे हो. वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई डेफिनेटली सी कि आपके लिए ईजियर रहेगा अपने एनर्जी को हैंडल करना. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.